पत्नी ने नहीं छोड़ी नौकरी तो दिया 3 तलाक, अब हलाला का बना रहा है दबाव। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश, स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पत्नी ने नहीं छोड़ी थी नौकरी तो उसके शौहर ने भड़क के उसे दिया 3 तलाक और बच्चों के समेत घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, वह दरगाह में जाकर 3 तलाक का फतवा भी जारी कराया था। लेकिन जब सुलह की बात हुई तो उसने एक ऐसी शर्त सामने रखी जिसके बारे में सुन के कोई भी शौक हो जाएगा। उसने कहा कि उसके बड़े भाई के साथ जब तक वो हलाला नहीं करेगी तो उसे वो घर नहीं ले जाएगा। पीड़िता ने बारादरी पुलिस में जाकर शिकायत करी। बारादरी थाना क्षेत्र की महिला ने बताया कि उसकी शादी 1995 में हुई थी। उसके 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी अक्सर बीमार रहती है, वहीं पति शराब और जुए की लत में सारी कमाई उड़ा देता है। घर चलाने के लिए पैसे मांगे तो मारपीट करता है और जान से मांगने की धमकी देता है। आर्थिक तंगी के कारण बच्चे भूखे रहने लगे थे। महिला से जब बच्चों की यह हालत नहीं देखी गई तो वह एक हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करने के लिए चली गई। फरवरी में उसका पति कुछ माह के लिए मेरठ चला गया था काम करने के लिए। 2 माह के बाद जब वो वापस आया तो 18 अप्रैल के दिन महिला हॉस्पिटल से काम करके वापस आ रही थी तो पति ने उससे नौकरी छोड़ने के लिए कहा। इस पर महिला ने कहा कि घर का खर्चा फिर कैसे चलेगा। इसी बात पर दोनों की कहासुनी हो गई। महिला का आरोप है कि पति ने उसे तलाक देकर बच्चों के समेत मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। महिला का आरोप है कि पति ने जेठ के साथ हलाला करने का दबाव बनाया है। इंस्पेक्टर बारादरी नीरज सिंह ने बताया है कि मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पीड़िता ने मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी को शिकायत दर्ज करी। फरहत नकवी ने इंस्पेक्टर बारादरी से मुकदमा दर्ज करने की बात करी। उन्होंने कहा कि 3 तलाक कानून जब से बना है तब से महिलाओं के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, महिलाओं को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। दोस्तों, क्या होगा इस मामले का फैसला, इसके बारे में जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।